हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जाने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अगर हम बात करें 1857 की के रिवॉल्ट की, तो उसमें एक चीज़ देखी गई थी, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। ये यूनिटी ब्रिटिशर्स को खट रही थी। अब ये ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि ये जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है, ये किस तरीके से टूट जाए। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं बंगाल को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांट देता हूँ, इससे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी टूट जाएगी। तो वो 1903 में अनाउंस करता है, मैं बंगाल का पार्टीशन करने जा रहा हूँ। जब लोग पूछते हैं क्यों पार्टीशन करने जा रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो बोलते हैं कि जो बंगाल है वो बहुत बड़ा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसके लिए हम बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं। पर ये जो पार्टीशन है किस तरीके से होने वाला है, ये हमारे लीडर्स को बहुत अच्छे से पता चल गया था। और ये जो पार्टीशन फोर्स एनफोर्स, मतलब ये पार्टीशन एक्चुअल में अक्टूबर 16, 1905 में फोर्सफुली एफर्ट में ये पार्टीशन कर दिया जाता है। और ये पार्टीशन किस आधार पर किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि ये पार्टीशन धर्म के आधार पर किया जाता है। जिस तरफ हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको एक पार्ट कर देते हैं, और जिस तरफ तरफ मुस्लिम का पार्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको एक पार्ट बना देते हैं। और ये जो पार्टीशन किया, इसको हमारे लीडर बहुत अच्छी तरीके से जान रहे थे, और हमारे लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जान रहे थे कि ये धर्म के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। तो अगस्त 7, 1905 में मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है कोलकाता में, इधर एक रिवॉल्यूशन पास करती है, बॉयकॉट ब्रिटिशर्स ग्रुप की। अब ये बॉयकॉट क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, इसमें बात किया गया होता है जो ब्रिटिशर्स के सामान है, ब्रिटिशर्स के कपड़े हैं, ब्रिटिशर्स का वो सब हम बॉयकॉट करेंगे, उसको जला देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। और यहाँ तक कि जो स्कूल्स हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा रन हो रहे हैं, जो कॉलेज है ब्रिटिशर्स के द्वारा रन हो रहे हैं, हम हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम अपने स्कूल चालू करेंगे, हम अपने स्कूल में भेजेंगे, और हम इंडस्ट्री जो ब्रिटिशर्स की चल रही है उसमें नहीं, हम खुद बनाएंगे और खुद कपड़े बनाएंगे, खुद बेचेंगे, और हम ब्रिटिशर्स के कपड़े यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो आंदोलन है, बाद में धीरे धीरे वो अलग अलग इंडिया, मतलब बंगाल के बाहर भी जाने लगा, और बंगाल के बाहर हमारे अलग अलग लीडर्स लेके गए, जैसे कि आप देख सकते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये पुणे तक ये आंदोलन लेके गए, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय वो पंजाब और नॉर्थ इंडिया के रीजन में लेके गए, सैयद हैदर रजा दिल्ली में लेके गए, इसको स्प्रेड किया ये मूवमेंट को, और चिदंबरम पल्ले मद्रास में ये आंदोलन को लेके गए, और इसके बारे में बताया ये ब्रिटिशर्स का एक्चुअल मकसद क्या है, क्या है वो करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या था बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोई भी टॉपिक पर, कोई भी सब्जेक्ट के, नॉन टेक के सब्जेक्ट के, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या मैथ्स हो, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए। ठीक है।